हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हम कॉमिक से इसको लाइव एक्शन में ला पा रहे हैं, ये भी सपना ही था पौधा की। सर ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं देखा था, किसी ने मतलब मेरी फोटो एरन को भेजी थी, तो इन्होंने मुझे डीएम किया था। और सर, किसको सुपर हीरो बनने, बचपन से हर कोई बनना चाहता है सुपर हीरो, मुझे तो बनने का मौका मिल रहा है इतने बड़े पर्दे पे, तो क्यों नहीं। इंडियन कंटेंट जो है वो आप अपने टीवी पे, आप अपने बड़े पर्दे पे देखो। 90s के किड को भी कनेक्ट करेंगे, वो तो फैंस हैं जो कि 40 सालों से लगभग। नागराज मैंने ही क्रिएट किया था, डोगा भी मैंने क्रिएट किया था। बचपन से ही आपने ढेर सारी कॉमिक्स पढ़ी होगी, लेकिन क्या हो अगर आपके फेवरेट कॉमिक कैरेक्टर पर्दे पर उतर जाए, मजा आ जाएगा ना। जी हाँ, द अलायंस के जरिए ऐसा ही कुछ होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज हमारे बीच मौजूद है द अलायंस के स्टार कास्ट, द कैरेक्टर इन लीड शुभम मट्टा, विकी कॉल एस डोगा एंड राज कॉमिक्स के संजय गुप्ता। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शुभम आपसे जानना चाहूँगी कि ये कॉमिक कैरेक्टर प्ले करना कितना अलग था, क्या सुपर हीरो वाली फीलिंग आई, और आपने तो अच्छा कैरी किया हुआ है। वो तो आपको देख के ही, मतलब दूसरे लोगों को मुझे देख के फील आ रहा होगा कि एक हमें तो फील आ रहा है, हम लोग तो मैं तो कम से कम 90s में चली गई हूँ, बीइंग अ 90 किड। आपको कैसा लगा? ये पहन के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है, क्योंकि जो ध्रुव का एक कैरेक्टर है वो बहुत ही सेंसिबल इंसान है, बहुत सुलझा हुआ इंसान है, आदर्शवादी है। तो बहुत ही अच्छा, मतलब वैसा कैरेक्टर है। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उस कैरेक्टर में जितना ज़्यादा जा सकूं, और बाकी संजय सर और विक्की सर ने मदद की है उस कैरेक्टर को समझने में। नॉर्मल कैरेक्टर से कॉमिक कैरेक्टर कितना अलग आपको लगा? जो मेरा जो कैरेक्टर है, हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ, जो मेरा कैरेक्टर है वो रियल लाइफ के हिसाब से ही है। उसके पास कोई ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, उसके पास सारी रियलिस्टिक पावर्स हैं। वो बेसिकली बचपन में सर्कस में उसके पेरेंट्स के साथ काम वाम करता था, तो एक्रोबैटिक्स करता था, तो वहाँ से उसने वो सारी चीज़ें सीखी हैं जो नेचुरल चीज़ें कोई भी इंसान सीख सकता है। तो इसके पास कोई भी ऐसी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, सारी रियलिस्टिक पावर्स हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि दशकों लग गए इसको पर्दे पर लाने के लिए, क्या थॉट प्रोसेस था आपका, और कितना चैलेंजिंग अगर ये कोई नॉर्मल मूवी हो उससे। 86 में हमने राज कॉमिक्स शुरू करी थी, और तभी हमने सोचा था कि हम हिंदुस्तान के पाठकों को, बच्चों को सुपर हीरो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और ऑलमोस्ट 4 दशक होने को आए और इसका एक बहुत बड़ा विस्तृत ब्रह्मांड जो है अब तक बन चुका है। 100 से ऊपर सुपर हीरोज़ हैं, उसके साइडकिक्स हैं और विलेंस हैं, तो एक बहुत बड़ा वास्ट यूनिवर्स है, बहुत बड़ी कहानियों की एक संग्रह है, जो कि कॉमिक्स से अब निकल के जब बड़े पर्दे पे और वेब सीरीज़ के जरिए आएंगे, नेचुरली मतलब तहलका मचाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि इंडियन कंटेंट जो है वो आप अपने टीवी पे, आप अपने बड़े पर्दे पे देखने को आपको मिले। नॉर्मली ऐसा होता नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल सुपर हीरो इतने हैं और हर कोई सोचता है कि उनको पर्दे पे उतारें, लेकिन एक इंडियन कॉमिक कैरेक्टर को पर्दे पे लाना, तो इसके लिए जाहिर तौर पे कुछ अलग ही आपकी सोच रही होगी, या फिर 90s किड को कनेक्ट करना चाहते हैं? हाँ, 90s के किड को भी कनेक्ट करेंगे, वो तो फैंस हैं जो कि 40 सालों से लगभग पढ़ रहे हैं कॉमिक्स, और वो उनका सपना है बहुत टाइम से कि भाई ये सुपर हीरोज़ हमारे पर्दे पे आए। उसके अलावा जो आज की जो यंग जनरेशन है वो भी अपने जो हिंदुस्तानी संस्कार हैं, जो कहानियाँ हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अब अगर ये टीवी पे या इस पे आएंगे तो ज़रूर सारे के सारे इससे कनेक्ट करेंगे। और हमने जो कहानियाँ लिख रहे हैं इसके लिए, मूवी के लिए, वो भी सब यंग हमारी टीम है, और वो उसको आज के समय के हिसाब से कहानियों को लिखा जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगी कि इस कहानी का प्लॉट 90s पर ही है या फिर अब आज की जो यूथ है वो भी कनेक्ट कर सकती है? नहीं, 90s पे नहीं है, कैरेक्टर्स एसेंशियली तो 90s के ही हैं हमारे, बट हमने इसे एक मॉडर्न स्क्रीन प्ले, उसको काफ़ी पॉप कल्चर रेफरेंसेस रखने की कोशिश की है, जो कैजुअल व्यूअर भी होगा, जो कैजुअल ऑडियंस भी है आपकी, तो वो भी कनेक्ट कर पाएगी। कि कभी कभी होता है कि स्क्रीन प्ले में आप टाइम नहीं देते कि किस टाइम की है, बट आप बातों से पता चल जाएगा कि वो मॉडर्न टाइम में सेट है। हाँ, तो वैसे रेफरेंसेस उस फिल्म में हैं, आप देखेंगे तो आपका कैरेक्टर डोगा, आपने टी शर्ट भी पहनी है। जी जी, तो काफ़ी अच्छा ही कैरेक्टर लग रहा है, और मुझे तो बैटमैन याद आ रहा है, तो क्या कुछ ऐसा ही है? नहीं, बैटमैन जैसा तो बिल्कुल नहीं है, देखने में लुक वाइज वैसा लग रहा है। बैटमैन से बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है ये कैरेक्टर, बहुत ही, अगर आपको डोगा का थोड़ा बता दूँ तो एक विजिलेंटी है, रात के अंधेरे में काम करता है। अच्छा। और
उसका मोटो ये है कि वो समस्या को जड़ से उखाड़ देता है। तो बेसिकली सुपर हीरो है वो। सुपर हीरो सुपर नेचुरल कोई पावर उसमें ऐसी है नहीं, वो एक क्या बोलो एक कॉमन लोगों का जो एक गुस्सा होता है अंदर जो वो निकाल नहीं सकते नॉर्मली, तो वो ये कैरेक्टर मास्क पहन के निकालता है। अच्छा। और मैंने एक्चुअली डोगा का रोल काफ़ी कम देर के लिए इस फिल्म में किया, मैं एक्चुअली इस फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ। अच्छा। तो मैंने कुछ ही जगहों पे किया, मोस्टली कारण मैंने आपसे प्लॉट पूछा कहानी। राइट। तो मोस्टली तो स्टंट जो टीम थी हमारी उनमें से ही उन्होंने प्ले किया था, कुछ कुछ सीन्स में जस्ट मैंने डोगा का किया। अच्छा, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए। मेरा कैरेक्टर तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि काफ़ी मतलब जो ध्रुव का कैरेक्टर है जो हमने फिल्म में जो रखा है और जो नॉवल में भी स्टार्टिंग में अगर आप इनिशियल डेज के हिसाब से देखेंगे तो वो काफ़ी चुलबुला है, मस्ती को मस्तीबाजी करता रहता है और साथ में बहुत दिमाग वाला है। उसका दिमाग मतलब वो ज़्यादातर जैसे आपने बोला ना सुपर नेचुरल, उसकी क्या है मतलब वो उसका दिमाग है। okay. मतलब उसके पास हर चीज़ का एक तोड़ है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो दिमाग से सॉल्व करता है। वो जैसे डोगा का पूरा ऑपोजिट है, डोगा वायलेंस करता है, वो वायलेंस बिल्कुल नहीं करता। अच्छा। वो मतलब दिमाग से सॉल्यूशन निकालने शांत से वैसे करके वो चीज़ों का सॉल्यूशन निकालता है। नागराज आपने पढ़ी है तो मतलब तब के जो भी कैरेक्टर्स थे 90s के वो सब आपने पढ़े? सब तो नहीं पर मेन मोस्टली पढ़े हैं मैंने, क्योंकि और ज़्यादा मल्टी स्टारर जो आती थी वो मुझे पसंद होती थी, जैसे परमानु साथ में आ गए, शक्ति, नागराज, इनके कॉमिक्स मैंने पढ़ी हैं। नागराज काफ़ी फेमस कैरेक्टर, नागराज तो फ्लैगशिप कैरेक्टर था राज कॉमिक्स का जी। इसके अलावा कोई फेमस डायलॉग इस कैरेक्टर का आप बताना चाहेंगे? फेमस? हाँ, जो होता है ना हुक, एक तो हुक स्टेप होता है, एक हुक डायलॉग जो हमेशा कमांडो ध्रुव बोलते हो। वो बेसिकली उसका क्या होता है, जब वो फर्स्ट टाइम डोगा से उसका इंट्रोडक्शन होता है तो उसको डोगा की मतलब पता है पर्सनालिटी कैसी है, तो जब वो कहीं झाड़ियों में होता है पीछे और डोगा उसकी तरफ नाइफ फेंकता है तो पकड़ता है और फिर मतलब वो उसको ये बोलता है हाँ भाई मतलब पहले लात फिर बाद, मतलब पहले मारेगा उसके बाद पूछेगा हाँ भाई कौन हो। तो डोगा और ध्रुव दोनों एक साथ मिलकर गुंडों का सफाई करते हैं ऐसा कुछ है? जैसे क्या मिशन है आगे के? अच्छा, तो सर आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो राज कॉमिक्स बहुत फेमस है, जो कॉमिक्स पे दिलचस्पी रखते हैं वो इसके बारे में जाहिर तौर पे जानते हैं, और ये शायद शॉर्ट फिल्म है, तो आगे कुछ ऐसे एम्स होंगे आपके कि इसको बड़े पर्दे पर 3 घंटे की फिल्म के रूप में लाया जाए? बिल्कुल है, हमारे पास प्लानिंग्स हैं। अभी ये 5 पार्ट का हमने शुरू करा है शॉर्ट फिल्म। इसका पहला चैप्टर जो है ये हमने यूट्यूब पर 2 दिन पहले रिलीज़ किया है। 4 पार्ट इसके जो आ गए उसकी हमने स्क्रिप्ट पर काम कर दिया है शुरू। सेकेंड पार्ट की स्क्रिप्ट हमारी ऑलमोस्ट रेडी है और ये 5वां पार्ट हम लेके आएंगे। और उसके बाद बड़े पर्दे पे तो आप ये देखिए कि 3000 कॉमिक्स हम अब तक पब्लिश कर चुके हैं जी। और उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अभी हमें कहनी है, तो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। एग्जांपल हो सकते कुछ कहानी के? कहानी आप पर्दे पर उतारना चाहते हैं? हाँ, इसकी आप प्रोग्राम है, ड्रैकुला सीरीज है, नारायण सीरीज है, ऐसे प्रलय, विनाश, जलजला, तानाशाह, बहुत सारी कहानी है जो कि लोग बाग जो फैंस है वो इसको देखना चाहते हैं। एक टाइम था जब इसकी फर्स्ट प्रिंट इनकी 2 लाख 2.5 लाख कॉपीज छपती थी और उसमें एक एक कॉमिक्स को परिवार पूरा पढ़ता था, फिर वो रेंट में पढ़ी जाती थी, एक एक कॉमिक से कॉमिक को 100-100 बच्चे पढ़ा करते थे, तो आप सोच सकते हैं कि ये मिलियंस के अंदर इसकी व्यूअरशिप। हाँ बिल्कुल, पढ़ा करते थे मेरे भाइयों को, तो मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी बट मेरे भाइयों को काफ़ी इंटरेस्ट था। वो मेरे जो बड़े भाई हैं वो तो हर कॉमिक्स, नागराज उनका फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था जी। और ऐसे ही चाचा चौधरी जी। चाचा चौधरी मुझे नहीं मालूम कि राज कॉमिक्स का है कि नहीं, वो डायमंड कॉमिक्स से प्राण साहब का था। हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर एक मिसाल उसने पेश की थी। नागराज मैंने ही क्रिएट किया था, डोगा भी मैंने क्रिएट किया था, सुपर कमांडो ध्रुव अनुपम सिन्हा जी ने क्रिएट किया था। तो हमारे हिंदुस्तान में ये सुपर हीरो की बहुत बड़ी एक लेगेसी है। हाँ, लेगेसी है। और मैं चाहता हूँ कि अब सभी लोग इसे देखें और सपोर्ट करें, जिससे कि हमारे हिंदुस्तानी सुपर हीरोज अपने अपने आदर्शों के साथ उनके सामने अपना हीरोइज्म लेके आ सकें। इनफैक्ट आज के बच्चों को भी पता चले कि 90s में क्या हुआ करता था, 80s में क्या हुआ करता था। आपसे मेरे को जानना है कि डोगा
आपने बोला कि बहुत छोटा उसका रोल है, बट बावजूद उसके वो एक मेन कैरेक्टर को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नहीं, छोटा रोल नहीं कहा था मैंने, कहा मैंने काफी कम भूमिका निभाई उसकी, मोस्टली स्टंट, क्योंकि उसके काफी एक्शन सीन्स हैं। इन्होंने वो रोल कम किया है, रोल मतलब क्योंकि डोगा का जैसे आप देख रहे हैं मास्क के अंदर है तो कोई फेस नहीं है डोगा का। हाँ, डोगा का कोई फेस नहीं है इसलिए। तो फिर वो काफी चार पांच लोगों ने प्ले किया क्योंकि जो उसका कॉस्ट्यूम था काफी हेवी था और काफी चीजें थी जो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था, और सर डायरेक्टर भी थे साथ में और स्टंट्स भी करना था, तो स्टंटमैन ने भी किया था, इन्होंने भी किया, तो चार पांच लोगों ने अलग अलग लोगों ने डोगा का कैरेक्टर प्ले किया था। डोगा भूमिका पूरी मूवी में दोनों का बराबर रोल है, दोनों सेम है। तो ये कॉस्ट्यूम को मतलब एक तो पहनने में भी काफी टाइम लगता होगा। नहीं नहीं, इजी है, मतलब बनवाया ऐसा गया है कि डोगा के कॉस्ट्यूम, डोगा का कॉस्ट्यूम हमें पूरा नहीं, बहुत मुश्किल है पहनना, मतलब उसमें डोगा का कॉस्ट्यूम, और जिन लोगों ने अब फिल्म देख ली है तो मुझे लगता है फैब्रिक भी कुछ अलग यूज हुआ है। जी हाँ, इसके ऊपर आर्मर है, इसके अंदर बॉडी सूट है एक, और उसके ऊपर कपड़े का कुछ है, उसके ऊपर फिर आपका मास्क आ गया, आपका आर्मर आ गया, हेवी कॉस्ट्यूम है, बेल्ट है, ये गॉन्टलेट्स हैं, इसकी बंदूकें भी काफी, वो ला नहीं सकते हम साथ में बट ये तो जैसे मैंने बताया काफी वायलेंट कैरेक्टर है, तो इसे गन्स और चाकू सब कुछ भरा पड़ा रहता है, बारूद। तो नॉर्मली आप पहनते तो आपको कितना टाइम लग जाता था इसको? तो शूट पे ऐसा हो जाता था कि हमने दो बंदे डेडिकेटेड रखे थे जो कपड़े पहनाएंगे तो कपड़े पहनाने के लिए बंदे 20-25 मिनट, आधा घंटा, तो 20-25 मिनट आधा घंटा आपको तैयार होने में लगता सिर्फ कपड़े पहनने में, उसके बाद अलग। नॉर्मली लोग खुश होते हैं खासतौर पर एक्टर्स कि एक अच्छा सा रोल मिला है, हम दिखने वाले हैं, हमारी फेस वैल्यू दिखेगी, बट इस मास्क के पीछे छिपना बहुत लोग प्रेफर नहीं कर पाते होंगे, आपको कैसा लगता है? आई थिंक हमने उस नज़रिए से देखा ही नहीं कभी इसको, हमारे लिए, मैं खुद फ़ैन रहा हूँ राज कॉमिक्स का, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि हम कॉमिक्स से इसको लाइव एक्शन में ला पा रहे हैं, ये भी सपना ही था बहुत। इनफैक्ट आप काफ़ी कमेंट्स में पढ़ेंगे यूट्यूब पे जिन्होंने लिखा है, तो सबके लिए ये एक सपना ही था कि जो उन्होंने बचपन में जो इमेजिन करते होंगे वो पेपर पढ़ते हुए उस पर कॉमिक्स में, तो उन्होंने अब लाइव एक्शन में उसे देखा, तो हमारे लिए भी एक सपने की तरह ही था, तो हमने कभी इसको वैसे नहीं देखा कि शक्ल किसी की दिखाई देगी या नहीं, तो हमारे लिए तो एक कैरेक्टर ही मतलब हीरो था। आपने इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था? जी, तो पहले ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया था? इसकी भी काफ़ी लंबी कहानी है, जाहिर तौर पे हम जानना चाहेंगे, ऑडियंस जानना चाहेगी। तो बेसिकली विक्की सर ने मुझे इंस्टाग्राम पे कहीं देखा था, किसी ने मतलब मेरी फोटो एरन को भेजी थी, तो इन्होंने मुझे डीएम किया था, बट वो मैंने पता नहीं मेरे 100 मैसेजेस में चला गया था, मुझे इग्नोर किया, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, सामने बोल रहे इग्नोर किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनको पता है वो मजाक कर रहे हैं, तो मैं वो मैसेज रीड नहीं किया था, तो मैं इनको रिवर्ट नहीं करा, तो 3-4 महीने के बाद इन्होंने फिर कास्टिंग वालों को थोड़ा सा मतलब कि ऐसा ऐसा इनको लड़का चाहिए ये वो, तो उस कास्टिंग वाले ने सबसे पहली फोटो ही इनको मेरी भेजी थी, बाय चांस की बात है, वो एक डेस्टिनी जो कहते हैं होती है, तो वो यही थी, तो इन्होंने बोला कि मैंने उसको डीएम किया हुआ है, उसने अभी तक रिवर्ट नहीं किया, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर उसने कास्टिंग वाले ने मेरे से बात करी, मैंने कहा मैंने देखा नहीं ये वो, मतलब जो भी पूरी कॉम्प्लिकेशन ऐसे ऐसे हुई, तो फिर मैंने उनको ऑडिशन मतलब इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे कैरेक्टर ब्रीफ वॉइस नोट पर भेजा, मैंने सुना, अपनी स्क्रिप्ट याद करी, ऑडिशन उनको रिकॉर्ड करके भेजा। तो आपका भी इंटरेस्ट कॉमिक कैरेक्टर्स में है? ऑफ कोर्स, किसको सुपर हीरो बनने, बचपन से हर कोई बनना चाहता है सुपर हीरो, मुझे तो बनने का मौका मिल रहा है इतने बड़े पर्दे पे, तो क्यों नहीं। चलिए, बहुत मजा आया इस कास्ट से बात करने में, आई होप कि आपको भी मजा आए, हम मिलेंगे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। नमस्कार।